जी पॉलिटिकल साइंस का जो आज का टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? कंपैरिजन क्या है अपना इस्लामिक स्टेट में क्या है डिफरेंस था? हमने क्या पढ़ा था? इस्लामिक स्टेट क्या होती है? इस्लामिक स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या होती है? जिसका पर्पस क्या होती है? इसकी पर्पस क्या होता है इस्लामिक स्टेट की? इसकी एग्जिस्टेंस का पर्पस इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी होगी, राइट्स को डिफेंड किया जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम जो एक्सप्रेशन, इसकी मिसाल हमने कौन सी दी थी? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, ठीक है, लंबा कुर्ता जो सिलवा लिया था। इस तरह से आगे जो सहाबा किराम आए जिन्होंने खुलफ़ा राशिदीन है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो दौर था, उन्होंने जो इस्लामी रियासत कायम की थी, उनके दौर में भी ऐसे ही था ना, तो उनसे सवाल किया गया था जब उन्होंने लोन की दरख्वास्त की तो क्या कहा गया कि क्या गारंटी है कि आप एक महीने तक जिंदा रहेंगे? ठीक है, अच्छा जी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? पर्पस तो ये इस्लामिक स्टेट का कि कैसे स्टेट कायम की जाए जहाँ पे लोग अपने मज़हब के हिसाब से अपने जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को गुजार सके, ठीक है, और जो स्टेट इन रिटर्न क्या करती है उनको वो एनवायरनमेंट मुहैया करती है जहाँ पे वो उसको प्रैक्टिस कर सके, और उनको ऐसा एनवायरनमेंट देती है जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को, इकोनॉमिक जो उनकी एक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी वो कर सके, ठीक है, और साथ साथ उनको क्या करे, इक्वल जस्टिस दे। इसके अलावा और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट ने? स्टेट ने वैसे क्या करना होता है मॉडर्न स्टेट ने? जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मॉडर्न स्टेट्स की होती है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हम कह लें, तो उनमें क्या होता है? फॉरेन एग्रेशन से सिक्योर करना है टेरिटोरियल बॉर्डर्स को, ठीक है, और क्या करना है? नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्टेट्स की हैं वो इस्लामिक स्टेट की भी होती है। अब जो हमने कल पढ़ा है वेलफेयर स्टेट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वो क्या था? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? कल हमने बात की थी इसके ऊपर, देखे ना, जब स्टेट नेशन स्टेट्स कायम हुई ग्रीक्स में, ठीक है, तो उनका बेसिक पर्पस क्या था? उनका बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि विचुअल लाइफ, ठीक है, प्लेटो ने जो दिया था फिलासफी में अपनी कि विचुअस लाइफ गुजारने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ एक आइडियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने अपनाई हुई थी ना। तो इसके साथ साथ जब मॉडर्न स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट्स कायम हुई, ठीक है, इनमें फॉर द टाइम बीइंग ग्रेजुअली जो थी वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन टेरिटोरियल बॉर्डर्स एक्सपेंड करते गए, ठीक है, वो जो पर्पस था वेलफेयर का, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चीज़ नहीं थी, एक्सपेंशन थी, ठीक है, टेरिटोरियल बॉर्डर को क्या करना था? सिक्योर करना था, लेकिन जो राइट्स थे फंडामेंटल उनको सिक्योर नहीं किया गया। अब ये चीज़ें जो डेवलप हुई थी, क्यों डेवलप हुई थी, स्टेट्स के जहन में क्यों आया, जो स्टेट्स थी, ठीक है, जो एंटिटी है एक, उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि भाई ये वेलफेयर के लिए हमें काम करना चाहिए, जबकि वो चीज़ें कर रहे थे? डेमोक्रेसी जब आई, इसकी वजह क्या थी? डेमोक्रेसी चीज़ें चल रही थी या अपना जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, हर चीज़ लोग फ्री मार्केट थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वेलफेयर का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया आपको, इसलिए आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो साथ क्या हुआ, लेबर्स के जो राइट्स थे वो एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गए, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान जो फ़र्क था वो बढ़ता गया, इनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, ठीक है, साथ साथ क्या हुआ फिर इस चीज़ को देखते हुए, जब कोई चीज़ एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन आता है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनमें सबसे जो बड़े प्रोपोनेंट्स हैं वो कहें कार्ल मार्क्स हैं, सोशलिस्ट अप्रोचेज हैं, ठीक है, कम्युनिज्म वगैरह पहले इससे, उसके मुकाबले में एक और अप्रोच आ गई,
कम्युनिज्म। उसने क्या नारा लगाया था, उसने ये नारा लगाया था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेगी, हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, इकोनॉमी तक, आपकी जो है पर मंथ के स्टिपेंड्स होंगे वो भी आपको स्टेट देगी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उन्होंने जब ये नारा लगाया अपने साथ क्या क्या गया उन्होंने कि कोई भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी, पब्लिक ऑनरशिप, सॉरी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं, पब्लिक ऑनरशिप होगी, हर चीज़ स्टेट ऑन करेगी, ठीक है, वो उसके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगी। जब कम्युनिज्म ने, जो कम्युनिस्ट अप्रोच के थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने जब ये स्लोगन लगाए तो फिर जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज थी, ठीक है, उनमें फिर ये अप्रोच डिवेल्प हुई कि अब अगर हमने एक इस तरह से डेवलपमेंट ना की अपने लॉज में, अपने प्रिंसिपल्स में, जो स्टेट का लॉ था उस वक्त का, उसको उन्होंने रेवोल्यूशनाइज ना किया तो ये क्या होगा, फिर अनार्की फैलेगी। तब जाके फिर क्या हुआ, उन्होंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट उठाया। अब पहली चीज़ क्या थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसकी वजह से, और क्या पढ़ा था हमने, ओपन मार्केट, और और एक्सटेंशन सफरेज, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, और था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज ऑफ द वेस्ट, जो उनकी आइडियोलॉजीज थी वेस्ट की, उसको उन्होंने मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें दी। अब इस्लामिक वेलफेयर जो है कॉन्सेप्ट इस्लाम का, वो क्या है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, देखिए इस्लाम, इस्लामिक स्टेट जो है, तो सबसे बड़ा जो है नारा क्या है, सॉवरेंटी ऑनली पर अल्लाह, ठीक है, अल्लाह अलमाइटी। अच्छा, अल्लाह का जो सॉवरेंटी है, फिर वो किस मेलर, किसको दी, अपने वाइस, वाइस एजेंसी को ना, ठीक है, वाइस एजेंसी बनाया अल्लाह ने, इंसान वाइस, वाइस है ना उसका, अल्लाह का खलीफा है उसका, तो उसको जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। अब अल्लाह का क्या कानून है जो हमें मिलता है कुरान वादी से, ठीक है। अब इस्लामिक वेलफेयर ये है कि वो मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर है, इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर है, किसके ऊपर, ये प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, इस्लामिक स्टेट की, मोरालिटी, प्रीटी, सेक्रीफाइस, म्यूचुअल हार्मनी, कॉपरेशन, रेस्पेक्ट, ठीक है ना। अब जस्टिस मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा कि जस्टिस हर स्टेट का, जो मॉडर्न स्टेट है उनमें भी है, लेकिन इस्लाम में ये बहुत ही प्रोमिनेंट है जस्टिस का। जस्टिस इक्वालिटी, अब इस्लामियात, सॉरी इस्लाम जो है हम क्या करता है, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है कि अगर आपने एक वेलफेयर सोसाइटी कायम करनी है तो आपको मॉरल वैल्यूज़ अपनानी पड़ेंगी, ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, उससे क्या होगा, को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल हार्मनी बढ़ेगी, ठीक है। साथ क्या करना पड़ेगा, तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, जो सोशल इवल्स हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है, सोशल क्राइम्स जो होती हैं उनसे बचने के लिए क्या इस्लाम ने रास्ता बताया, तकवे का, ठीक है। उसके साथ साथ फिर क्या है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किया कि अपने भाई, क्योंकि इस्लाम का क्या है, ब्रदरहुड के ऊपर है, किसके ऊपर है, ब्रदरहुड, अल मुस्लिम व अखूल मुस्लिम, उस्मान उस्मान का, लेकिन उस्मानों ने लगा दिया, नहीं कोई भाई कोई नहीं है, नहीं वो तो हमने, वो तो बात की बात है ना, ऊपर तो मैंने कहा काफिर है, भाई नहीं है। अच्छा, अल मुस्लिम व अखूल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, मुसलमान क्या है, एक जिस्म की मानिंद है,
आप सबकी हदीस है ना जी, बिल्कुल ठीक है। जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो दूसरे हिस्से में भी वो इस तकलीफ महसूस करता है। तो ये मुसलमानों की मुशाबियत की गई ठीक है, ब्रदरहुड के ऊपर, नेशनैलिटी के ऊपर। अब सेक्रीफाइस करेगा जब उसकी किसी भाई को तकलीफ आ रही होगी, अगर उसके पास कुछ है तो उसको हेल्प कर देगा उसकी ठीक है। इसके साथ साथ जो अपना रिस्पेक्ट करेगा अपने एल्डर्स की ठीक है, उनकी व्यूज़ की, उनकी वैल्यूज़ की रिगार्ड करेगा, जस्टिस सिस्टम होगा ठीक है। जस्टिस क्या होगा कि अगर सोशल इवल्स कोई इंसान उस पर मुत्तकी नहीं बन पा रहा या नहीं है, कोई कमी कोताही है उसमें, किसी क्राइम में मुलव्वस हो गया है, तो फिर क्या होगा, कौन सा निज़ाम एक्टिव हो जाएगा, जस्टिस का। जस्टिस का निज़ाम जब एक्टिव होगा तो फिर उनको क्या होगी, पेनल्टी होगी। इस्लाम में सख्त सजाएं इसलिए दी गई हैं डेटर्स कायम करने के लिए। अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, ऐसे है ना, खौफ पैदा हो, डेटर्स पैदा हो, ताकि सोसाइटी ग्रो कर सके, माशरे में एक वेलफेयर सोसाइटी बन सके, किसी किस्म का कोई क्राइम ना हो। अच्छा, इक्वालिटी, मसावात, इक्वालिटी जो है सबसे ही इम्पॉर्टेंट है इस्लाम में ना। इस्लाम में किसी गोरे काले को ठीक है, किसी अरबी अजमी को एक दूसरे पर कोई फोकियत नहीं है सिवाय तकवा के। ये तो हुआ हमारा मुआशरे में रहने के लिए ठीक है, मुआशरे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब उस सोसाइटी में को जो है हमने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेके आना, तो उधर क्वालिटी कैसे होगी उसमें, ये तो सोशली हो गया ना। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे सबको ठीक है, इस्लाम कहता है किसी, अच्छा इस्लाम का जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम भी फ्री मार्केट का कहता है, लेकिन डिफर करता है वो मॉडर्न स्टेट्स जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं। कैपिटलिस्ट जो है उनकी जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, और इसके अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट थे उनका जो कॉन्सेप्ट था पब्लिकली ऑन मार्केट का, इस्लाम इन दोनों के दरमियान क्या है, मोतदिल है, एतदाल है, दरमियान का रास्ता है। ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, इस्लाम क्या है, दरमियान का रास्ता है, एतदाल बताता है आपको। इस्लाम भी कहता है कि प्राइवेट ऑनरशिप हो, ओपन मार्केट भी हो, लेकिन उस प्राइवेट ऑनरशिप को जब आप लेते हैं तो साथ साथ किसी को, किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए ठीक है। और जो इस चीज़ में जिनकी प्राइवेट ऑनरशिप है, जो सरमायादार है, कैपिटलिस्ट है, वो अर्न कर रहा है, तो उसने क्या करना होता है उसमें, ज़कात देनी है ठीक है, उसने ज़कात देनी है टैक्स के अलावा। टैक्स जो स्टेट लगाती है, स्टेट टैक्स लगा सकती है ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने टैक्स लगाए थे, जो उनके घोड़े थे जो तजारत का काम करते थे उनके ऊपर टैक्स लगाए थे ठीक है। ज़कात और चीज़ है, ज़कात क्या है, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है ये, हाँ कुरान जी ने ज़कात उन्होंने देनी है। जो सरमायादार है जब वो ज़कात देगा, ज़कात बैतुल माल में आएगी, तो वो जो ज़कात का पैसा है किन पे खर्च किया जाएगा, गरीबों मसाकीन के ऊपर ठीक है। अच्छा, कम्युनिस्ट कहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेगी कौन, स्टेट। इस्लाम भी कहता है, इस्लाम लेकिन इस सेंस में कहता है कि जो लोग काम नहीं कर सकते, जो 60-70 साल के हो गए, जिन्होंने अपनी सर्विसेज स्टेट को दी ठीक है, उनका अगर छोड़ दिया जाए तो ये स्टेट क्या होगी, स्टेट की, ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा, स्टेट के वैल्यूज के खिलाफ होगी, इस्लामिक स्टेट के वैल्यूज के। जिस तरह अजमर जिला ने फरमाया ना कि किसी के जो 60 साल के थे, 65 के बुजुर्ग थे, जब उनको उनका वजीफा बंद कर दिया गया कि क्योंकि वो सर्विसेज नहीं दे रहे थे, तो आप जिला ने फरमाया कि 60 साल तक इनके बुढ़ापे तक तो हमने इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया, अब अगर हम इनको छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं है ठीक है, ये मायूब है। तो उनको उन्होंने स्टिपेंड, उनका जो वजीफा था वो जारी कर दिया, इसी तरह से फिर उन्होंने लॉ बना दिया। अच्छा, फिर क्या करना है स्टेट ने, स्टेट प्रोवाइड करेगी हर चीज़, कम्युनिस्ट भी कहता है, इस्लामिक स्टेट भी कहती है। अब इस्लामिक स्टेट ये कहती है कि स्टेट जो प्रोवाइड कर रही है उनको करेगी जो कुछ नहीं कर सकते, जो डिसेबल है ठीक है, जो यतीम है, जो बेवा है ठीक है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं, उनको क्या करेगी, स्टेट ऑन करेगी, स्टेट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। अगर वो काम नहीं कर सकते तो क्या करेगा, ज़कात के जरिए से बैतुल माल से उनकी क्या की जाएगी, उनकी इमदाद की जाएगी ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अपना जो इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आई थी, अब क्या होगा, जस्टिस ठीक है, जस्टिस इक्वली प्रिवेल करेगा माशरे में, चाहे वो बादशाह है,
चाहे वो खलीफा है वक्त का, चाहे वो एक मजदूर है, ठीक है, दोनों बराबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, ठीक है। उसने खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं इस्लाम कहता है कि अगर उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट किया है उसको ज़्यादा कदर या उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए माँ सिवाय तकवा के, ठीक है। जो मुत्तकी है उसको तो वैसे रिगार्ड किया जाता है माशरे में भी और अल्लाह की नज़रों में भी, ठीक है। तो लॉ क्या होगा, इक्वल होगा, अमीर गरीब सब बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें भी इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट हम देते हैं, मिसाल देते हैं, हम नमाज की देते हैं, नमाज में जब हम नमाज अदा कर रहे होते हैं तो सारे कैसे भी बराबर खड़े, उसमें हम कोई तमीज़ नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है इसने रेवोल्यूशनाइज किया पॉलिटिकल थॉट्स में, पॉलिटिकल कल्चर को चेंज किया। अब इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जो कायम हुई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, मदीना की रियासत, ठीक है, उसको जो पाइस कैलिफ थे खुलफ़ा राशिदीन वहाँ तक चली, उसके बाद वो निज़ाम नहीं रहा, ठीक है, खिलाफत का निज़ाम भी नहीं रहा और दूसरा क्या हुआ वो चीज़ें भी नहीं रही जो इस्लामिक वैल्यूज़ की, थोड़ा सा बस वो थोड़ा सा इस्लामिक वैल्यूज थे उससे वो थोड़ा सा हट गए, बादशाह की तरफ थोड़ा निज़ाम आ गया, ठीक है। तो ये जो दौर था ये गोल्डन पीरियड था इस्लाम का, सबसे पहले आसलम का दो जुड़ने मदीना की रियासत कायम की, ठीक है। उन्होंने जो वैल्यूज़ थी इस्लाम की उन्होंने उसको प्रैक्टिस करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद के आने वाले खुलफ़ा राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, उन्होंने जब उनसे कहा गया कि अमीर मोमिनीन आपकी जो है तनख्वाह कम है बढ़ाई जाए, अगर आप कहें कि अली मज़दूर की क्या तनख्वाह है, मज़दूर कितनी है, उन्होंने कहा मेरी जब मज़दूर की बराबर कर दो, अगर मुझे लगेगा मैं गुजारा नहीं कर सकता तो मैं मज़दूर की बढ़ा दूँगा, ठीक है। हज़रत उमर क्या थे, वक्त जो डेलीगेशन आया था फॉरन डेलीगेशन मिलने के लिए काले टेबल्स मिल के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें थी सादगी को, सिंपलिसिटी को, तो पॉलिटिकल कल्चर चेंज हुआ, पॉलिटिकल जो एक था ना, एक पहले जो मोनार्क सिस्टम था चल रहा था, एक मतलब अथॉरिटेरियन रूल चल रहे थे जो, उसके अगेंस्ट एक निज़ाम ऐसा आया कि वक्त का खलीफा जो था, वक्त का बादशाह कह लें हम जिसको आम अल्फाज में कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या था, उस जमीन पर लेटा हुआ था, सर के जिसने ईंटें रखी हुई थी तबके के तौर पे, ठीक है। वक्त का खलीफा क्या कर रहा है, एक बूढ़ा के घर जा रहा है, उसकी घर की सफाई कर रहा है। अब क्या था, पॉलिटिकल कल्चर चेंज किया। अगर हम आज के दौर में कंपैरिजन करें, आज हम लोग भी हमारी सोसाइटी में भी, हम भी जो बंदा कारकुन होता है, हम कहते हैं यार ये बड़ा कारकुन बंदा है यार, हमें इसको वोट दूंगा, ये जहाँ बंदे होते हैं वहाँ बैठ जाता है, ये देखता नहीं है, हम क्या करते हैं, हम रिगार्ड करते हैं ना उसको, हमारा इंप्रेशन चेंज है उसके बारे में। इसके बरक्स जो एक ऐसा बंदा है जो अथॉरिटेरियन अप्रोच रखता है, ठीक है, जिसमें एटीट्यूड है, एरोगेंट है, उसको हम लाइक नहीं करते, क्या ये फ़ख्र है, करता है, तकब्बुर है इसमें। इसके बरक्स जो ये बंदा है ये डाउन टू अर्थ है, ठीक है, ये मतलब घर आ जाता है कोई इशू उसके पास चले जाओ, ये मिलता है, रिगार्ड करता है, चाय पिलाता है, हर चीज़ करता है, सुनता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी यही है, इस्लामिक वैल्यूज़ है ना ये, तकब्बुर फ़ख्र इस्लाम में तो है नहीं, जो आपके पास साइन आ रहा है उसकी बात सुनो, उसकी हतोल का अंदाज करो, अगर हुक्मरान है तो उसके ऊपर तो फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो इस्लाम ने आगे पॉलिटिकल कल्चर जो था उसको चेंज किया, ठीक है, उस अथॉरिटेरियन जो एक पर्सपेक्टिव थे, जो अप्रोचेज थी, उनको ख़त्म करके क्या किया, रेस्पेक्ट को, रिगार्ड को, उसको बढ़ाया।